आज पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज की मूर्ति का यहाँ पर स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मेरे लिए ये व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है कि मैं अपने पूज्य गुरु को उनकी जन्मभूमि पर मैं सम्मान दे पा रहा हूं और मुझे इस कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार ने बुलाया, मैं इसके लिए उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री को और उच्च शिक्षा मंत्री को हृदय से धन्यवाद दूंगा। भाइयों बहनों, आज मेरे लिए और भी गौरव का विषय है कि यहां पर मुझे अपने स्कूली गुरुओं का भी सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने पहली से नौवीं क्लास तक यहां पर पढ़ा था, थांगर में चमकोट थाल में। नौवीं क्लास के बाद मैं अपने पिताजी के साथ चला गया और मुझे आज इस बात का दुख है कि बहुत सारे ऐसे हमारे उस समय के गुरुजन जो आज नहीं है, लेकिन छह हमारे गुरुजनों को श्री राजेंद्र सिंह रावत जी, श्री रघुवीर सिंह नेगी जी, श्री राजेंद्र सिंह भंडारी जी, श्री महिमानंद बरमरा जी, सत्य प्रकाश बड़खवाल जी, श्री हरिप्रसाद उनियाल जी, इन छह गुरुजनों को यहां पर आज मंच पर मुझे सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे केवल उत्तराखंड के नौजवान से एक बात कही, मैं देख रहा था, मैं बहुत बार देखता हूं सुनता हूं, और त्रिवेंद्र जी ने जब यहां पर मुख्यमंत्री थे उस समय यहां पर एक उत्तराखंड का उन्होंने एक आयोग भी बनाया था, प्लायन आयोग बनाया था, और मुझे उस समय इस बात को लेकर के खासतौर पर इस बात की चिंता होती थी कि आखिर उत्तराखंड से लोग प्लायन क्यों कर रहे हैं। यहां पर जितनी अच्छी शिक्षा है, जितना अच्छा माहौल है पठन पाठन का, जितना प्राकृतिक सौंदर्य है और जितनी संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को हमें आगे बढ़ाना होगा। और मुझे लगता है कि यहां का युवा जहां कहीं जाएगा वह अपनी प्रतिभा का दोहा अवश्य बनवाएगा, लेकिन उसे विश्वास होना चाहिए अपने आप पर। हम लोगों ने भी यहीं पर रहकर पढ़ा है, यहीं पर रहकर जाना है, कोई अतिरिक्त व्यवस्था के साथ हम लोग नहीं जिए थे। लेकिन आज जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, जब अच्छी सरकारें आती हैं तो लोक जीवन में व्यापक परिवर्तन का भी आधार भी बनती है। आपने देश के अंदर परिवर्तन देखा होगा 2014 के बाद, कैसे पूरा देश आज चलता हुआ दिखाई दे रहा है, कैसे पूरे देश के अंदर एक नई ओज है, एक नया तेज है, लोगों के मन में एक नया उत्साह है। कारण है देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये देश फिर खड़ा हो चुका है, देश नई अंगड़ाई के साथ आगे बढ़ रहा है। और बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी भी जब उत्तराखंड आते हैं, एक बात के लिए आप सबको बार बार कहते हैं कि हमें अपने आप को समझना होगा,
उत्तराखंड का पानी भी और उत्तराखंड का जवानी भी पूरे देश के काम आता है। और खास तौर पर मैं जब यहाँ उत्तराखंड से गया था तब ये उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, तो मुझे लगता है कि सन 2000 के पहले के जो लोग हैं वे सब भी उत्तर प्रदेश के ही वासी हैं। मूल रूप से जन्म उनका उत्तर प्रदेश में हुआ है, उनका जो मूल सर्टिफिकेट होगा उसमें उत्तर प्रदेश ही लिखा होगा। उसके बाद जिनका जन्म हुआ होगा वे लोग अपने को अपने नाम के आगे उनका उत्तराखंड लिखा जा रहा होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विकास में मिलकर के बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, और मैं इसके लिए आप सबको हृदय से अभिनंदन करूंगा कि अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है और आप सब ने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय सरकार के गठन में अपना योगदान दिया। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ उत्तराखंड के अंदर सरकार बनवाने में अपना योगदान दिया। आज सरकार यहाँ पे कार्य कर रही है। मूर्ति यहाँ पर चुनाव के पहले ही स्थापित हो गई थी, लेकिन समय न मैं दे पा रहा था और न ही कार्यक्रम बन पा रहे थे। कोरोना का भी इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से हम लोग उभरे हैं, और उस बड़ी महामारी के दौरान आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, लेकिन कोरोना प्रबंधन भारत का दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन रहा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री टेस्ट, फ्री में ट्रीटमेंट, फ्री में टीका, फ्री में राशन, हर जरूरतमंद बीमारी कोई भी बीमारी होती थी, महामारी कोई भी होती थी, दुनिया के अंदर सदी की पुरानी महामारियों के इतिहास को अगर आप देखेंगे एक बात रही है कि जितनी मौतें बीमारी से होती थी उससे कई गुना मौतें उसके बाद उसके साइड इफेक्ट से होती थी। साइड इफेक्ट का मतलब भूखमरी से होती थी, या उसके बाद जो कमजोरी आती थी, जो तमाम प्रकार के नविकृतियां आती थी उससे ज्यादा मौतें होती थी। पहली बार है जब सरकार ने बीमारी की रोकथाम के लिए भी प्रभावी व्यवस्था की, फ्री में टेस्ट की व्यवस्था की, फ्री में उपचार की व्यवस्था की, फ्री में वैक्सीन का व्यवस्था की। देश के अंदर फ्री में वैक्सीन, उत्तराखंड में तो सभी लोगों को डबल डोज लग चुका है, और कितना बड़ा रक्षण का कार्यक्रम, टीका अनुरक्षण का कार्यक्रम देश के अंदर चला है। उत्तर प्रदेश में हम लोग 31.5 करोड़ वैक्सीन की डोजेज अब तक वहां के लोगों को दे चुके हैं, फ्री में, सब कुछ फ्री में उपलब्ध करवाया गया।